हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इसके सोनू टेक वर्ल्ड। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट वन सेशन 2020-23 एंड स्पेशल एग्जाम 2021 मार्कशीट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी सही और सटीक होती है वही आपको दी जाती है। चलिए फ्रेंड, एक एक करके हर पॉइंट को हम क्लियर करना शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहला बात तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जेपी यूनिवर्सिटी से सही सही डिग्री ले लिए तो समझिए कि आप भगवान से भेंट कर लिए हैं, क्योंकि जेपी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जिसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो। चाहे कोई भी सेशन क्यों ना हो, चाहे एग्जाम फॉर्म हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे मार्कशीट हो, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, ठीक इसी तरह से स्नातक पार्ट वन सेशन 2023 का पहले तो ये दिखा दिया कि पास है कि फेल है। जो स्टूडेंट पास है उनका भी अभी मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक ऐसे ही स्नातक पार्ट वन सेशन 2019-22 के साथ हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, तब जाकर के धीरे धीरे कुछ सुधार हुआ। लेकिन ठीक उसी तरह से एक बार फिर से स्नातक पार्ट वन सेशन 2023 के एग्जाम में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे छात्रों को मार्कशीट डाउनलोड हो चुका है, लेकिन कुछ छात्रों का अभी भी मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। फ्रेंड, मैं आप सभी को बहुत पहले ही बता चुका हूं कि जो आपका पास फेल प्रमोटर दिखा रहा है जेपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वो आपका ओरिजिनल रिजल्ट नहीं है जब तक आपका मार्कशीट में रिजल्ट नहीं दिख जाए। इसलिए अगर आप सभी का मार्कशीट नहीं डाउनलोड हो रहा है तो आप सभी हर हाल में अपने कॉलेज में जरूर जाएं। कॉलेज में जाने के बाद आप सभी इसका कारण जरूर पूछें कि आखिर मार्कशीट क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है। अगर संभव हो तो आप सभी अपना एक एप्लीकेशन लिख करके जो आपका नेट पर रिजल्ट दिख रहा है पास फेल प्रमोटेड, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप सभी अपने कॉलेज में जरूर दें। अगर पॉसिबल हो तो आप सभी यूनिवर्सिटी में जरूर जाएं और जल्द से जल्द अपना रिजल्ट को सुधार करवाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में आपको प्रॉब्लम हो जाए। केवल घर बैठने से कुछ भी संभव नहीं होने वाला है। अगर आपका मार्कशीट नहीं दिख रहा है तो आप सभी जा करके कॉलेज में इसका कारण जरूर मालूम करें। देखिए फ्रेंड, अगर आप लोग मार्कशीट को डाउनलोड नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो पर क्लिक करके आप सभी देख पाएंगे कि किस तरह से मार्कशीट को डाउनलोड करते हैं, तथा जो स्टूडेंट पासवर्ड भूल चुके हैं वो लोग भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से मार्कशीट को डाउनलोड करना है। चलिए फ्रेंड, मैं कोशिश किया हूँ कि सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके दे दूँ। अगर आप सभी समझ चुके होंगे तो आप सभी कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।